वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस, क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे होंगे। और ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात को 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। इसका रीजन है बिकॉज ये व्लॉग स्पेशल होने वाला है 24 आवर्स विद आवर पोपलू। तो पोपलू डॉग अभी सोए पड़े हैं रात को, बिल्कुल मतलब ये 11 बजे के राउंड सो जाता है। वैसे तो इसको 1 घंटा हो गया सो, ये रात को फिर मेरे को डिस्टर्ब करता है क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे लग जाता है मेरे को परेशान करने कि मेरे को नीचे उतारो, मेरे को घूम के आना, मेरे को खाना दो, ये चीज़ें लग जाता है ये। तो आज इस वीडियो में 24 घंटे आप पोपलू के साथ लाइक नेक्स्ट 12 बजे तक क्या कैसे होता है, कैसे इसकी सारा दिन सीन रहता है। सर्दी होती है समझ रहे हो, तो उसके अंदर भी सारा एडजस्टमेंट इसका सब कुछ करना पड़ता है। तो आज इसका ये यहीं पे सोता है, मतलब दिल्ली का सीन है, मेरे साथ सोता है। जब तक इसको नींद आ रही है तब तक ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे भाई को कर देगा ये परेशान करना स्टार्ट, तब तक ठीक है। तो ये होने वाला 24 आवर्स विद पोपलू, इसको क्या कैसे रहता हूँ, इसकी दिल्ली की पूरी इसकी प्रोसेस प्लस साथ में अपनी भी, बिकॉज ये डिमांड जब मैं इसको लेके आया था तब से लानी स्टार्ट हो गई थी। बट तब यार ये छोटा था तो इतना अच्छे से मतलब वो होता, चलो मान लिया ज़्यादा क्यूट लगता, बट फिर भी मैं सोच रहा था ये थोड़ा सा एक बार बड़े लेवल पे, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बातें समझने लग जाता है। तब तो बच्चों वाली हरकतें करता रहता था, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने भी लगा है, बातें मानता भी है, क्योंकि ये शायद 2 महीने और 6-7 दिन का हो चुका है, 8-9 दिन का भी हो गया होगा, लाइक ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलो फिर ये अभी मैं भी सो रहा हूँ, सुबह उठेंगे, मतलब रात को तो ये प्रोसेस रहती है, ये रात को मेरे को डिस्टर्ब करता है, तो वो दिखाता हूँ कैसे कैसे मेरे को डेली डिस्टर्ब करता है, उसके बाद लोग को कंटिन्यू करते हैं। तो बने रहे 24 घंटे विद आवर पोपलू। इट्स मॉर्निंग अराउंड 5 AM एंड देखो ये सुबह ऐसे उठा देता है मेरे को, डेली की प्रोसेस है, डेली आता है, डेली आके उठा देता है, कोई बकवास करने लग जाता है अगर मैं ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं देता, लगातार लग जाएगा। बिकॉज बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, सर्दी इतनी ज़्यादा है, धुंध इतनी ज़्यादा है, थोड़ा सा और दिन हो जाता है, थोड़ी सी और सुबह हो जाती है, फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। पब्लो कम। तो गाइज इट्स मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और अभी है पोपलू के पहले खाने की बारी, और पोपलू बस इंतज़ार कर ही रहा है, मतलब इसको पता चल जाता है कि खाने का टाइम हो चुका है। तो चलो फिर इसको देते हैं और खाने में बताता हूँ मैं इसको क्या देता हूँ। अभी करंट टाइम के हिसाब से ठंड बहुत ज़्यादा है, तो चलो अंदर चलते हैं पहले। तो अभी करंटली इसको मैं ये वाला देता हूँ, जो भी है भाई ये आई डोंट नो, मतलब डॉक्टर ने रिकमेंड किया था ऑप्टिमैक्स हीरो का कि आप वो देना, मतलब बहुत बेस्ट रहेगा। और ये मैं देता हूँ बिल्कुल मतलब हिसाब से, लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा डाल दिया कम डाल दिया, नहीं भाई इस अपने अंदाजे से, लाइक जो भी इसके लिए सही रहता है जितना खाना भी। बिकॉज अब ये 3 महीने का होने वाला है, हुआ तो नहीं है अभी, 2.5 महीने के राउंड का होगा 2-4 दिन के अंदर, बट फिर भी यार इतने हिसाब से इसकी ग्रोथ जो है, लाइक मैंने देखे हैं 2-3 2.5 महीने के पप्पी, वो इतनी ग्रोथ नहीं पाते, इसकी ग्रोथ कुछ अलग ही लेवल की है पोपलू की। अगर आप कभी रियल लाइफ में देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी ग्रोथ क्या है, कैसे है। और आप सभी थोड़ा बहुत मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो मेरे को खाने में इसके साथ और क्या क्या देना चाहिए, लाइक अभी मैं सिर्फ ये देता हूँ ओनली एंड ओनली ये हॉट वाटर प्लस ये, लाइक गुनगुना पानी हो जाता है, धीरे धीरे थोड़ी देर इसके अंदर मतलब सीजते हैं, वेट होते हैं, कुछ भी मान सकते हैं इन सब चीज़ों का। पूरी पोपलू परेशान कर रहा है मेरे को, इसको ठंड लग जाएगी यार, अंदर चलते हैं चलो। I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. तो अब जाके धूप निकली है और अब पोपलू का हो चुका है प्लेइंग टाइम, लाइक मतलब वैसे तो पहले तो इसको हम 2 पैर में सुबह खिला देते थे क्योंकि धूप निकल जाती थी, अब 3-4 दिन से धुंध ज़्यादा हो रही है उस वजह से इसकी टाइम रूटीन थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, सुबह भी अंदर ही रहता है। अब धूप निकली है लाइक 12 बजे के अराउंड, तो अब ये खेलेगा आधा 1 घंटा फुल मस्ती में, लाइक इसके साथ मैं भी खेलूँगा, ये भी खेलता है, मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है, इसकी भी हो जाती है थोड़ी सी, और इसकी बॉल ले ली मैंने, तो चलो जल्दी से चलते हैं। मैं उसको ऑलरेडी नीचे छोड़ के आ चुका बिकॉज वो बस धूप निकलते ही ऐसे पागल हो जाता है कि खेलना है मेरे को, खेलना है। तो चलो try
भाई यहाँ पे मैंने और पोपलो ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर ली बिल्कुल धूप के अंदर। कतई पोपलो भी थक चुका है, मैं भी थोड़ा थोड़ा थक चुका हूँ, दोनों के दोनों। पोपलो तो अभी भी वैसे थोड़ा बहुत मस्ती के अंदर है, इसका थोड़ी देर में खाने का टाइम होने वाला है, दोपहर का मतलब सेकेंड जो फूड होता है इसका, तब तक और खेलेगा ये, उसके बाद आराम से खाना खा के सो जाएगा। और अभी भी मस्ती है, वैसे भी यार सर्दी के टाइम में थोड़ी बहुत धूप तो इसको खिलानी चाहिए, लाइक ऐसे विटामिन डी की कमी हो जाएगी वरना। पोपलो भाई पापा जी के साथ खेल रहे हैं, पोपलो सीट सिट मानने थोड़ी बहुत तो खिलाओ, तो साथ में इसका थोड़ा थोड़ा खाना हल्का हल्का। सिट पोपलो, सिट 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 माने। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. It's time for Poplo second food. मतलब दोपहर की हम देते हैं इसको 1 से 1.5 बजे के बीच में, और वो तो अभी नीचे खेल ही रहा है, तब तक लाइक अभी 1 बजे को अराउंड हुए हैं, तो उसको मतलब कहना जब तक ये रेडी होगा, बिकॉज हॉट वाटर में देते हैं और नॉर्मल पानी होने में आधा घंटा तो लगा ही देता है, तो जब तक वो खेल रहा है तब तक उसका खाना रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद वही सेम फूड, मतलब मैं 3 टाइम देता हूँ इसको, पहले 4 टाइम देता था जब थोड़ा सा छोटा था, और अभी इसको करेंटली 3 टाइम्स दे रहा हूँ। सेम फूड चलता है सुबह शाम दोपहर को, मतलब थोड़ी सी वो कम ज़्यादा डाइट कम ज़्यादा जरूर होती है, लाइक रात की डाइट सबसे कम देता हूँ, दोपहर की डाइट तो फुल देता हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा डाइट दोपहर की रहती है, क्योंकि दोपहर में अच्छा खेलता है, अच्छा खाएगा तो अच्छा रहेगा इस वजह से। तो चलो रेडी करते हैं खाने को। वैसे तो इस टाइम पे डेली मैं पोपलो को ट्रेनिंग देता हूँ, बट आज नहीं दे रहा बिकॉज ठंड का लेवल ज़्यादा है, लाइक वैसे नहीं है धुंध वगैरह नहीं है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड यहाँ चल रही है, मैं नहीं चाहता पोपलो बीमार हो। और अंदर कमरा बहुत छोटा है भाई, उसके अंदर हम ट्रेनिंग टाइप का कुछ सीन नहीं कर सकते, अपना नॉर्मल कमरा है, प्लस भर रखा है सामान से, मेरा सामान है गेमिंग का मैक्सिमम, 3 महीने का होगा तब तक ओके रिपोर्ट हो जाएगी इसकी ट्रेनिंग की, तो उसका हमें इंतज़ार है 3 महीने का कब होगा। ओहो पोपलो जी क्या कर रहे हो, दीदी के साथ खेल रहे हो इतनी सर्दी में? बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी है, इसको बाहर आज लेके नहीं गया मैं, थोड़ा बहुत भी। ओ देख के गोलू सो है, गोलिया ए पोपलो गोलिया, देख 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 ओ देख पोपलो आजा, आएगा पोपलो, आएगा आएगा पोपलो, आएगा आजा, आएगा आजा आजा आएगा। तो ये वाला टाइम हो गया आज, देखो यार ठंड की वजह से ना इसकी काफ़ी रूटीन अच्छे से नहीं हो पाई, मतलब मैंने तो यही सोचा था अच्छे से प्रॉपर इसकी पूरी रूटीन दिखाऊँ, लाइक कैसे होता है क्या नहीं होता, बट ठंड का लेवल ज़्यादा है आज, लाइक एक हद से ज़्यादा, बिकॉज ये टाइम ऐसे इसका है शाम का 7:30 से 8 के बीच का, इसको खाना खिलाने का, बट मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, प्लस ये मेरे साथ खेल रहा है, इसका रीज़न है, इसको पता नहीं आज क्या हो रहा है, लाइक मेरे को लग रहा है कि इसको शायद सर्दी लग चुकी है जिसकी वजह से उल्टी कर रहा है, लाइक इसने जो दोपहर का खाना खाया था मैक्सिमम उल्टी के थ्रू उसने निकाल दिया, और वो मैं नहीं दिखाना चाहता था क्या सीन है, क्या मेरे को लग रहा है कि इसको ठंड लगी है, बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ठंड लग जाती है तो पप्पी उल्टी करने लग जाता है, हो सकता है एक रीजन है, मैं पक्का नहीं कह सकता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल इसको वेट के पास लेके जाएंगे, और अगर ठीक हो गया तो ठीक है, इसका मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करता हूँ, अगर मतलब इसने बार बार में उल्टी करना बंद नहीं किया तो मैं इसको हल्का खाना दूंगा बिल्कुल ही, क्योंकि कल फिर वेट के पास लेके जाना है, और अगर ऐसा ही चलता रहा या रात तक ठीक हो जाता है तो इसको अच्छे से खाना दे देंगे हम प्रॉपर सुबह तक, इसका भी वैसे इसको थोड़ा सा मन बहलाने के लिए इसके साथ खेल रहा हूँ मैं। 12 PM तो वैसे तो ये 11 बजे के राउंड सो जाता है, बट आज इसको नींद नहीं आई, ये रीजन जैसे बता रहा है थोड़ी सी तो भूख लग रही होगी, बिकॉज मैंने खाना शाम का बिल्कुल लाइट दिया था क्योंकि उल्टी थोड़ी सी आज ये कर रहा था, उसका रीजन मेरे को अभी तक तो समझ नहीं आया, कल सुबह तक पता चल जाएगा, अगर लाइक कोई बीमारी की वजह से है तो कल सुबह तक भी उल्टी करेगा, या फिर इसने कुछ ऐसा खा पी लिया हो खेलते वक्त तो बात अलग है, तो शायद नॉर्मली कल तक ठीक हो जाएगा क्योंकि उल्टी के थ्रू निकल आएगा, अगर इसने कुछ ऐसा वेस्ट खाया होगा या मतलब और कुछ ठंड की वजह से होगा उसका भी मे भी कल सुबह तक तो पता चल ही जाएगा, इसको कोई लाइक ठंड की वजह से कोई कोल्ड हो जाएगी, कोई थोड़ा बहुत सीवर वगैरह करेगा तो वेट के पास जाएंगे, बाकी अभी बिल्कुल ओके है, तब के बाद इसने कुछ भी नहीं किया, आराम से घूम रहा है, इसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा खाना भी दे दिया है, और
बट मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत तो कमी है, कोशिश करूंगा रात को अगर ये ज्यादा ऐसा करेगा, ज्यादा परेशान करेगा तो 2-4 घंटे के बाद एक बार बीच में जग के फिर से दे देंगे इसको थोड़ा सा हल्का सा खाना। यही रूटीन रहती है पोपलू की डेली की 24 आवर्स। आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी इस टॉपिक पे, वीडियो पे लाओ लाओ लाओ, तो मैं फाइनली लेके आ चुका हूँ। अब आपका हक बनता है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और कैसे लगा ये बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अपने रेगुलर व्लॉग्स आते रहते हैं, उन सबको आप काफी अच्छा प्यार देते हो, तो इस वीडियो को भी उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा प्यार मिलेगा। पोपलू सेठ अभी मेरा पैर चाप रहे हैं तो इनको चापने दो, मैं भी सोता हूँ, इसको भी सुलाता हूँ, कोशिश करता हूँ सो जाए तो मैं भी भाई मेरा भी भला हो जाएगा, थोड़ी बहुत नींद ठीक हो जाएंगी, और बाकी इसकी बीमारी का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, टेंशन ना लेना कोई भी। तो जय हिंद जय भारत, अच्छी लगे सर सब्सक्राइब जरूर जाना।